आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, सीरियस टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इन बातों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर इन बातों को फॉलो नहीं करते, यानी जो बोर्ड के द्वारा जो कही गई बातें होती है उनको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो उस पर क्या होगा कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है तथा परीक्षा से निष्कासित भी कर सकता है, ठीक है। तो भाई समझ सकते हो कि परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा तो यार सालों भर का जो मेहनत है ना वो मिनटों में बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी बात है उन पर ध्यान देना है, तो आइए हम देखते हैं और सारा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके देखना और सारा चीज़ समझना, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर एग्जाम होता है तो आपको समय पर सबसे पहले पहुँचना होता है। आइए देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपका, देखिए हम यहाँ दो बार बताएंगे, दो बार उदाहरण लेकर के, हो सकता है कि देखिए किसी किसी बोर्ड में एक ही चरण में पूरा स्टूडेंट का एग्जाम ले लिया जाता है और किसी किसी बोर्ड में होता क्या है कि दो पाली में यानी दो चरण में लेता है एग्जाम। मान लो कि अगर आपका एग्जाम 9:30 में है, 9:30 में एग्जाम, तो आपको 9:20 में ही एग्जाम हॉल में पहुंच जाना होता है। अगर देरी करते हो, जैसे आधा घंटा 10 मिनट ऐसे देरी करते हो, तो हो सकता है आप एग्जाम हॉल में ना प्रवेश कर सके। क्यों? क्योंकि अगर आप देर हो जाते हो तो मेन गेट जो होता है ना वो बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के बाद आप गिड़गिड़ाओगे कि भैया खोल दो, तो उसमें भी आधा घंटा एक घंटा लग जाएगा और ये कोई चांस नहीं है कि वो खोलवे करेगा। अगर खोल भी दिया तो आपका ऐसे ही समय बर्बाद हो जाएगा। तो कोशिश करना कि समय पर ही पहुँचे, हो सके तो आधा घंटा पहले ही पहुँच जाओ, लेकिन बोर्ड कहता है कि भैया अगर 9:30 में एग्जाम है तो 10 मिनट पहले आप पहुँच जाओ, ठीक है। अगर किसी बच्चे का 1:45 में एग्जाम है तो वो 1:35 में पहुंच जाना है उसको, ठीक है। इसके बाद अगर देरी करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, हो सके तो आप एग्जाम हॉल में प्रवेश भी ना कर सको, ठीक है। दूसरा नंबर, जूता मोजा जो है वो पहन करके नहीं जाना है। ये थोड़ा आपको हंसी भी लगेगा कि भाई जूता मोजा क्यों नहीं पहन करके जाना, क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जूता मोजा अगर पहन करके जाते हो तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़े नहीं रहते, तो उसके मन में खाली यही सोचता है कि चीट वगैरह सब ये मोजा में घुसा लेते, इधर घुसा लेते उधर। हालांकि हाल ही में बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल होते हैं जो चीट लेकर के गेट पर ही पकड़ा जाते हैं। अगर मान लो कि चीट उसमें घुसा भी लियो, अगर आगे अंदर चल भी गए तो अगर वहाँ पकड़े जाओगे तो भाई कोई चांस ही नहीं, आपको परीक्षा से निष्कासित तो करेगा ही करेगा, और ऊपर से क्या होगा कि जेल में भी डाल देगा, है ना, कानूनी कार्रवाई के तहत। तो चीट तो बिल्कुल मत ले जाना, क्योंकि ये दिमाग का एक टेंशन बढ़ा देता है, ठीक है। हाँ, कि डर रहेगा अंदर से, डर के मारे तो कुछ लिख नहीं पाओगे, है कि नहीं। तो यार चीट को कभी लेकर के मत जाना, ठीक है, नहीं तो मम्मी पापा का अगर पकड़े जाओगे तो मम्मी पापा सबका नाम जो है ना वो मिट्टी में मिल जाएगा कि हाँ पन्ना का लड़का था, इसका लड़का था, ऐसा काम कर दिया, है ना। तो चीट कभी मत ले जाना उसी, तो ये आप लोगों के सेफ्टी के लिए ही कहता है कि जूता मोजा पहन करके मत जाओ, कितना होता है अंदर घुसा लेता है कि नहीं, तो ये सब मत करना। तीसरा हमारे पास है कि कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, ETC, यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको नहीं लेकर के जाना, बिल्कुल नहीं लेकर के जाना। कोई लेकर सब इधर उधर कहीं भी घुसा लेता है, पैंट मोड़ के घुसा लेता है। अरे भाई ले करके जाओ, मान लो तो वहाँ भी आपको परेशानी हुई, जो एग्जामिनर होते हैं वो लेते हैं, जो क्लास में घूमते रहते हैं उसे पकड़े जाओगे, OMR शीट छीन लेगा, और जब छीन लेने के बाद वो जल्द देगा नहीं, देना अलाव ही नहीं, गोर हाथ पकड़ोगे तो बहुत देर के बाद देगा, हो सके तो, है कि नहीं, ऐसा होता है। चौथा नंबर, पेन और प्रवेश पत्र ही आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना, इसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। पेन और प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, ठीक है। पेन कोई भी ले लो, ब्लू ले लो या ब्लैक ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, लेकर के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और एडमिट कार्ड ले जाना, यही आपको लेके जाना, उसके अलावा कुछ नहीं आपको लेके जाना है, ये बोर्ड यही कहता है, ठीक है। हमारे पास अगला जो यहाँ पे देख सकते हो कि उत्तर पुस्तिका जो है OMR शीट आपको केवल एक मिलेगा। गलती कर दिया, चाहे फट गया, कुछ भी हो गया, तो उसके बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि काउंटिंग से आता है, इसके बाद मिल ही नहीं सकता है। तो ध्यान रखना, अपना अपना ख्याल रखना उत्तर पुस्तिका OMR शीट पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, छठा जो हमारे पास है, OMR शीट को जो है वो भरना है, वो काले तथा नीले बॉल पेन से भरना है OMR शीट को। OMR शीट को नहीं भरने आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप ऐसे सर्च कीजिएगा कि OMR शीट को कैसे भरे भाई पंकज सर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ उस वीडियो को जरूर देख लेना। हाँ, उसमें मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैंने वहाँ पे क्या किया था, रोल कोड मैं भरा तो सही है लेकिन बोल रहा था गलती, उसमें क्या था कि 888 था, तो 888 को मैं 808 बोल दिया, है ना। तो आप लोग जाओगे तो खुद होशियार सही कर लेना, ठीक है। अगर ये सब में गलती करते हो तो रिजल्ट क्या होता है कि पेंडिंग में चला जाता है और बहुत समय लगता है, आपको फिर जाना पड़ेगा, है ना, राजधानी में। अब यहाँ पे देख लो भैया,
सातवां हमारे पास है कि रफ कार्य करने के लिए। रफ कार्य मतलब आप जैसे मैथ वगैरह का क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं, आपको रफ करना है, कुछ कैलकुलेशन करना है, तो आपको अंतिम पेज में चले जाना, वो जो उत्तर पुस्तिका होता है उसका अंतिम पेज में जाओगे तो आपको एक पेज मिलेगा, वहां पे रफ कर सकते हो। और ध्यान देना कि जब अगर एग्जाम दे देते हो तो उसके बाद उसको क्रॉस कर देना, क्या कर देना, ऐसे क्रॉस कर देना है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। ओके, आठवां नंबर में आप देख लो, एक दूसरे से बातचीत तो बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि अब हम बैठ गए हैं, अपने अपने जगह पे बैठे हैं, वो भी जगह पे बैठे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आया तो हम बात करने लगते हैं, तो बात बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा का भी उपलब्ध रहेगा वहाँ पे, ठीक है, तो सीसीटीवी कैमरा में देखेगा, अगर हो सके तो भाई उसका दिमाग अगर गर्म रहेगा, खौंझाया रहेगा, तो बस छीन लेगा वो हमारी सीट, ले रहो पड़े हुए, है कि नहीं। तो इस बात पर ध्यान देना कि एक दूसरे से तो बात करना नहीं, ठीक है, और किसी भी तरह का अगर आप कदाचार करते हो, यानी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, किसी से झगड़ा कर लेते हो, या शिक्षक से बदतमीजी करते हो, तो उस स्थिति में आपको बख्शा नहीं जाएगा, डायरेक्ट परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा, वहाँ से निकाल दिया जाएगा, ध्यान रखना। और भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से तो बच के रहना, ठीक है, डीएम से, ओके, वो आएंगे। तो अब नौवां हमारे पास है कि ओएमआर सीट पर, याद रखना ओएमआर सीट पर वाइटनर, इरेजर, नाखून, ब्लेड, ईटीसी का यूज मत करना, इस सब का यूज बिल्कुल मत करना, वाइटनर, इरेजर, नाखून, ब्लेड, इस सब का यूज मत करना। होता क्या है, अब वाइटनर चला दिए या फिर ओएमआर सीट में कुछ गलती हो गई, तब नाखून से इसको क्या किए, खोद दिए, उसको हटा दिए वहाँ का, तो ये सब बिल्कुल मत करना, नहीं तो उसे इनवायलेट कर दिया जाएगा, अमान्य हो जाएगा वो, ठीक है, ठीक है, वो देने से कोई फायदा नहीं रहेगा, तो ये गलती मत करना, ठीक है। तो इन बातों पर ध्यान देना, नहीं तो हो सके क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा नुकसान जो है ना आपको उठाना पड़ जाए, है ना, बहुत पापर में। भैया देखो, हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बड़ी मेहनत से करते हैं और शिद्दत से करते हैं, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम जो आ जाती है, अगर मान लो कि रियलिटी पेंडिंग में आ गया, कुछ हो गया, तो होता क्या है यार, बहुत माइंड पेन होने लगता है कि यार क्या हुआ, क्या किए, ना किए, है ना, कुछ गलती तो नहीं किए यार, बहुत मतलब अजीब होने लगता है। ये आप साल दो साल ऐसे कह लो, तो पहला से लेकर के दसवां तक मेहनत करते हो, और पहले क्या पढ़े उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन दसवां का रिजल्ट सब आपसे पूछेगा कि बउआ क्या आया, फर्स्ट आए हो कि सेकेंड की फेल, या टॉप की है, टॉप की है तो बढ़िया है, अच्छी बात है, सम्मान भी मिलेगा, है कि नहीं, मम्मी पापा का नाम रोशन भी होगा। तो इन बातों पर यार ध्यान रखना, और जो जो मैंने बोला उस सब पर ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में किसी भी तरह का चीट पुर्जा जो है ना वो बिल्कुल मत लेकर के जाना, अगर पकड़े जाओगे तो भैया उसका नुकसान खुद उठाओगे, है कि नहीं। तो इन बातों पर मैंने आपको बताया, और ध्यान रखना कि समय पे सही से पहुंचो, नहीं तो होता क्या है कि हाँ, अपनी पर्सनल गाड़ी से कभी मत जाना, क्यों, हो सके अगर जाम में फंस जाते हो तो अगर अकेले रहोगे तो भैया वहीं पे गाड़ी रहेगा, है कि नहीं, फंसे रहोगे, गाड़ी को लेके आओगे या फिर खुद पैदल जाओगे, है ना, तो जाम में फंस जाओगे तो लेट हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जाना, समय पर पहुँच जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ओके।